नीतीश कुमार के सेक्स वाले बयान पर आज सुनवाई टली। मुजफ्फरपुर कोर्ट में 1 दिसंबर को होगी सुनवाई। महिलाओं पर किए थे आपत्तिजनक टिप्पणी। बिहार के दानापुर में 36 घंटे के अंदर डबल मर्डर इलाके में फैली सनसनी। बेकॉफ अपराधियों के हौसले हुए बुलंद। बिहार के देवघर में जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में झड़प। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। पटना के दानापुर में पैसे के लेन देन में मर्डर। 3 बच्चों के सामने ही मां की गला रेत कर की गई हत्या। आरोपी ने किया सरेंडर। चिड़ियाघर परिसर में लगी भीषण आग। 12 रिक्शा जलकर खाक। बैटरी चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से लगी आग। बॉयफ्रेंड ने शादी से किया इनकार तो नाराज होकर प्रेमिका मोबाइल टावर पर चढ़ी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवती को टावर से उतारा। महाराजगंज का मामला। पटना में डीप फेक वीडियो पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कार्यवाही नहीं करने पर दर्ज होगा FIR। सोशल मीडिया पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी। बिहार की गया में ट्रक से टकराई 50 यात्रियों से भरी बस। 1 की मौत। कंडक्टर का सिर धड़ से हुआ अलग। 7 से ज्यादा लोग हुए घायल। बिहार के बगहा में महिला को लाठी डंडों से की गई पिटाई। घर में घुसकर चोरी करने का आरोप। वीडियो सामने आने के बाद 2 पर केस हुआ दर्ज। पटना की जगह कोलकाता और रायपुर में लैंड हुए 2 विमान। परिजनों ने किया हंगामा। पायलट को रनवे नजर नहीं आया, जिसके बाद फ्लाइट को कोलकाता डायवर्ट किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2.5 साल की मासूम को उठाकर ले गया हैवान। रैप के बाद मार डाला। घर वालों ने पुलिस से आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। पटना समेत 19 शहरों के न्यूनतम तापमान में आई गिरावट। बिहार के कई जिलों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की आएगी कमी। बिहार के जमुई में चलती ट्रेन से बच्चे के साथ कूदी महिला। ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बची मासूम। गलत दिशा में पार किए गए सड़क, अब भरना होगा जुर्माना। बिहार के भागलपुर में फर्जी दारोगा सिपाही बनकर लगाया 10,000 का चूना। हाजीपुर में हथियारों के साथ रील्स बनाना पड़ा भारी। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। बिहार की मधुबनी में भाभी के प्यार में बड़े भाई की हत्या। 1,50,000 की दी सुपारी। 2 इंस्टॉलमेंट दे चुका था और तीसरी लेने आए तो पुलिस ने शूटर्स को दबोचा। हरियाणा में बिहार के 4 बलात्कारियों को फांसी की सजा। कोर्ट ने कहा क्रूरता की हदें पार। मां के सामने ही नाबालिग बहनों से किया था गैंगरेप। मांझी ने काम नहीं किया इसलिए मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। अशोक चौधरी बोले नीतीश ने समर्थन हटाया तो बीजेपी ने क्यों नहीं दिया जीतन राम का साथ। बेगूसराय में दबंगों ने एक ही परिवार के 7 लोगों को पीटा। पीड़ित पक्ष ने कहा घर में घुसकर फायरिंग भी की गई, पहले भी करते थे परेशान। जहानाबाद में नकली जेवरात दिखाकर महिला से ठगी। 2 युवकों ने पीतल की ज्वेलरी देकर सोने के जेवरात लेकर फरार। आरोपी की तलाश जारी।